सुने ना, देखो यार, घर आते ही तुम अपना ये रोना धोना मेरे पास लेकर मत आया करो। मैं दिन भर काम करके घर आता हूँ और तुम पानी पूछने की बजाय शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती हो। कितनी बार कहा है कि घर की दिक्कतों में मेरा नाम मत घसीटा करो। मैं मेरी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हें मेरे घर वालों से इतनी परेशानी है तो तुम अपने घर चली जाओ ना, किसने मना किया है। घर आते ही दिमाग खराब कर दिया। चलो अब एक कप अच्छी सी चाय पिला दो, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। ये लाइनें पढ़कर आपको लगा होगा जैसे आप किसी टीवी सीरियल का सीन देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सच्ची कहानी है। ऐसे पतिदेव आज भी कई घरों में पाए जाते हैं जिन्हें पत्नी की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में पत्नी की परेशानियां उन्हें नौटंकी लगती हैं। पत्नी को भले लड़के के माता पिता परेशान करते रहे, लेकिन वे अपने परिवार से कुछ नहीं कहेंगे। वे पत्नी से कहेंगे कि तुम ही चुप रह जाया करो, तुम बर्दाश्त कर लिया करो। तुम्हें पता है कि मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता। जो लड़की शादी करके अपने ससुराल आई है वह अपने मायके चली जाए, क्या यही परेशानी को खत्म करने का एक तरीका बचा है? वहीं अगर वह ज्यादा दिन मायके में जाकर रह जाए तो समाज के लोग उसे 10 बातें भी सुनाने लगते हैं। होती है, पत्नी भले दिन भर काम करके मरती रहे, लेकिन पति हाथ बटाने की जगह कहेंगे कि तुम दिन भर घर में रहकर करती क्या हो? 4 लोगों को खाना बनाना भी भला कोई काम होता है? मैं तो आधा घंटे में खाना बनाकर रख दूं, लेकिन मम्मी को मेरा किचन में काम करना पसंद नहीं है। नियम के अनुसार शादी के बाद एक महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होती है। तो पति क्या लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल आई है, उसका ख्याल रखना पति का फर्ज नहीं? ससुराल के लोग पत्नी को प्रताड़ित करते रहे, जुर्म करते रहे और पति सब जानते हुए भी चुप्पी साधे रहे क्योंकि उसे बेटे का फर्ज निभाना है, तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ? अधिकतर घरों में पत्नी को घरवाले परेशान करते रहते हैं, लेकिन पति कहता है कि परिवार के लिहाज की वजह से वह चुप था। ऊपर ने पत्नी कितनी भी दुखी क्यों ना हो, पति यही चाहता है कि पत्नी जब उससे मिले तो मुस्कुराते हुए सजे धजे ही मिले, जैसे वह इंसान नहीं मशीन है। अगर लड़के के परिवार वाले उसकी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या पति का फर्ज नहीं है कि वह उसकी रक्षा करे और उसका पक्ष ले? सुनैना की शादीशुदा जिंदगी इसलिए ही तबाह हो गई क्योंकि सास अपनी मर्जी चलाती थी। पति पूरा ममाज बॉय था जो जानता था कि मम्मी गलत कर रही है, लेकिन फिर वह पत्नी से ही झगड़ा करता था। सास ने सुनैना को इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार वह अपने मायके आ गई। सास ने सुनैना के खाने पीने का समय तक तय कर रखा था। सुनैना तभी को खा सकती थी जब सभी घरवालों भोजन कर लें। किसी दिन अगर सास या ससुरा ने दोपहर तक कुछ नहीं खाया तो वह नाश्ता भी नहीं कर पाती। उसे ससुराल जाते ही काम वाली की छुट्टी कर दी गई और 3 फ्लोर घर का झाड़ू पोछा और रसोई की पूरी जिम्मेदारी उसे सिर आ गई। उसके नौकरी करने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह गया। शादी के वक्त सुनैना के ससुराल वालों ने कहा था कि हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। वहीं जब सुनैना अपने ससुराल गई तो उसे दहेज के नाम पर ताने मारे जाने लगे और एक तरह से उससे बदला लिया जाने लगा। सुनैना के पति को सब पता था, लेकिन वह चुपचाप रहता जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी सुनैना को ही दोष देता कि तुम घर नहीं संभाल पाती। सास को दहेज वाली बहू नहीं मिली थी तो वह सुनैना को प्रताड़ित करने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से सुनैना के खिलाफ अपने बेटे को हर पल इतना भड़काते रहती कि पति पत्नी में दूरियां बहुत बढ़ गईं। फिलहाल सुनैना अपने मायके आ गई है, नौबत तलाक तक आ गई है, लेकिन समाज के इज्जत के नाम पर उसके मायके वाले तलाक ना लेने की सलाह दे रहे हैं। जो सुनैना के साथ हुआ क्या उसमें पति की गलती नहीं है? भले ही उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, लेकिन उसे मानसिक तौर पर तो परेशान किया। उस पर हो रहे जुर्म को अनदेखा भी तो किया। अगर शुरुआत में ही उसने अपने माता पिता को टोक दिया होता तो वे सुनैना पर इतना जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते।